press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फखर यूसुफ जई को, उनकी स्पेशल गेस्टों की भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया इलाही खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी भारत पाकिस्तान पर बल्कि बात करेंगी प्रधानमंत्री मोदी पर भी। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत शिक्षित भारत है, मेरा भारत पढ़ा लिखा भारत है। मेरे भारत में एडुकेशन में 79% जो पॉपुलेशन है वो एडुकेटेड पॉपुलैरिटी है। अब इस 79 में ये जानना जरूरी होगा फकर भाई कि मुसलमान नहीं है, क्योंकि वहीं पर 2006 सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस हिसाब से 2006 में जो आई थी कि मुसलमान दलित से भी एडुकेशन में पीछे हैं, वही रिपोर्ट सेम टू सेम 2023 की भी है कि मुसलमान एडुकेशन में दलित से भी पीछे है। 79% जो लोग पढ़े लिखे हैं उसमें बोरी मुसलमान है, उसमें शिया मुसलमान है, उसमें हिंदूज हैं, उसमें क्रिश्चियंस हैं, लेकिन हम मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है। शियाओं की बेटियां जो हैं वो फाइटर जेट चला रही हैं, वो इंजीनियर डॉक्टर्स बन रही हैं। बोरी मुसलमान की जो बेटियां हैं वो पायलट बन रही हैं, एयर होस्टेस बन रही हैं, इंजीनियर डॉक्टर्स बन रही हैं, वकील बन रही हैं, जजेस बन रही हैं। लेकिन सुन्नी मुसलमान है, देवबंदी मुसलमान है, अहमदिया मुसलमान है, बरेलवी मुसलमान है, खास करके सुन्नी मुसलमान बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सुन्नी मुसलमान समाज के जो ठेकेदार हैं वो आज भी इसी चीज का तस्बीदाना पढ़ रहे हैं कि एज ऑफ प्योबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अब ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेटफॉर्म है जी। ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से बच्चियों के पीरियड्स जो हैं वो 10 साल की उम्र में स्टार्ट हो जा रहे हैं। अब इस्लाम के हिसाब से एज ऑफ प्योबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, तो 10 साल में बच्ची का निकाह पढ़ने की जिद पकड़ करके रखे हैं बख्त साहब, जिद पकड़ करके रखे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, जिद पकड़ करके रखे हैं देवबंद जमात के दारुल उलूम के सरबराह और ठेकेदार अरशद मदनी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिद पकड़ करके रखा है कि 10 साल में एज ऑफ प्योबर्टी होती है मुसलमान बच्चों की, उसकी शादी कर दो। अब जब शादी 10 साल में हो जा रही है तो 11 साल में उसको बच्चा हो जा रहा है, 22 साल की उम्र में उसको 11 साल का बच्चा रहेगा, तो वो पढ़ेगी कब? उसका विजन उसके करियर की तरफ कब जाएगा? हम सुन्नी मुसलमान बर्बाद हो चुके हैं, और हमें और बर्बाद करने के लिए सारे मुसलमान समाज के ठेकेदार झंडा लेकर के, हरा हरा झंडा लेकर के खड़े हैं कि अभी और बर्बाद करना बाकी है। सही। ये सबसे बड़ी वजह है। मैं आपको बताना एक चीज और चाहूंगी। जी जी। कांग्रेस की सरकार में 1947 से लेकर के 1977 तक हमेशा पाकिस्तान में भी चिल्लाया जाता है कि मुसलमानों को बहुत अत्याचारित किया जाता है, भारत में मुसलमानों को बहुत डरा करके रखा जाता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही हो रही, बहुत होती है। और पिछले एक साल में फकर भाई, आप जैसे यूट्यूबर्स की वजह से, आप जैसे चैनल्स की वजह से, मैंने सच्चाई को सामने रखा है पाकिस्तान में कि अब पाकिस्तान में खुद भी कहा जाता है कि नाज़िया ने बहुत सारे राज को खोल दिए हैं, ये खुद भी पाकिस्तान के लोग कहते हैं। तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ के मुसलमानों की अश्लीलता को मैंने खोल करके दिखाया है, और सबूतों के आधार पर खोल करके दिखाया है। Exactly. 1947 से 1977 तक 5 कैबिनेट एडुकेशन मंत्री मुसलमान थे कांग्रेस की सरकार में। इतना बड़ा पद आप सोचिए कि मुसलमानों को कैबिनेट एडुकेशन मंत्री दिया गया, जिसमें मौलाना अबू कलाम आजाद थे, हुमायूं कबीर थे, मोहम्मद करीम थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, नूरुल हसन थे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले तो जितने भी स्कूल थे उसमें मुगल पीरियड को इनहेंस किया, उसको बहुत ब्यूटीफुल दिखाया कि मुगल बहुत अच्छा था, उसने मंदिरें तोड़ी, उसने उसने गुरुकुल तोड़े, उसने राजपूतों का गला काटा, उसने वहां राजपूतों की बहु बेटियों को उन्होंने जौहर करने पर मजबूर कर दिया, राजपूतों की बहु बेटियों को कंधे पे उठा करके ले आता था और जोर जबरदस्ती उसके उसके साथ निकाह करता था। ये सारी चीजें
1947 से 1977 तक में ये पांच एडुकेशन जिहादी मिनिस्टर्स ने, मुसलमान मंत्रियों ने सारे भारत के सिविलाइजेशन का लुटिया डुबो दिया, बिल्कुल डुबो दिया। हमें मराठा अशोक जी के बारे में पढ़ने नहीं दिया गया, हमें शिवाजी के बारे में पढ़ने नहीं दिया गया, हमें जितने भी राजपूत महाराजा गुजरे थे उनके बारे में पढ़ने नहीं दिया गया। और जब कांग्रेस का पल्ला धीरे धीरे खत्म होता चला गया और तब सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से ये सारी चीजें निखर करके आने लगी, तब हमें पता चला कि अरे भाई भगत सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था आजादी में, अरे भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा हाथ था, अरे भाई अबू कलाम एपीजे अब्दुल कलाम जी तो मिसाइल मैन है। तब जाकर के हमने पढ़ा कि भाई ये जो अफजल खान था उसको तो शिवाजी महाराज ने खत्म किया था, वो तो अपनी बीवियों को जिंदा कब्रिस्तान में दफन कर देता था। तो ये सारी चीजें हमने रिसर्च के तौर पर बाद में पढ़ी, जो बाद में पुष्टिकरण हुई। अब आप सोचिए कि क्या मुसलमानों का मुस्तकबिल ये पांच कैबिनेट मिनिस्टर, मुसलमान मिनिस्टर क्या ठीक नहीं कर सकता था? कर सकता था। पांच एडुकेशन मुसलमान मिनिस्टर का मतलब आप समझ रहे हैं 25 से 30 साल बनते हैं, बिल्कुल सही। 5-5 साल के लिए होते हैं तो 5 × 25 पच्चीस साल में क्या मुसलमान को वो ये नहीं सिखा सकते थे कि तुम पढ़ो, तुम कुछ बनो, तुम शिक्षित हो जाओ, तुम शिक्षा में आगे बढ़ो। आज 10 साल में 60 साल का बुजुर्ग आदमी रोड पर खड़े होकर के बोलता है मोदी जी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, मैं बेकार हूँ। भैया 10 साल में तुम बेकार हो गए और जो तुमने अपनी जिंदगी का 50 साल बर्बाद किया है उसके बारे में कब बात करोगे, उसके बारे में कब बोलोगे? जब तुम्हारी उम्र वाकई में नौकरी की थी तब तो तुमको इंग्लिश का स्पेलिंग नहीं आता था, तब तो तुम ये पढ़ रहे थे कि भाई कैसे हिंदुओं को खत्म करना है, वो काफिर है, हमारे इस्लाम ने कहा है कि काफिरों को मारो, तुम तो ये पढ़ रहे थे। तुम तो फोकस नहीं किए कि तुमको इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है। तुम कहते मौलाना अबू कलाम आजाद को, जो पहले आजादी के बाद एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, तुम कहते उनको कि मुझे ये सब मत पढ़ाइए, मुझे नहीं ये सब काफिर हिंदू और ये सब करना है, मुझे शिक्षित होना है, मुझे एडुकेशन हासिल करना है, मुझे बस एडुकेट बनाइए। अगर ये कहते तो आज तुम्हें रोना नहीं पड़ता, आज तुम्हें भीख नहीं मांगना पड़ता, आज तुम्हें जजिया के नाम पर फितरा और जकात नहीं उठाना पड़ता, आज तुम्हारा कुर्ता लंबा और पजामा नाटा और जाली टोपी नहीं होती तुम्हारे शरीर पर, सूट बूट होता और तुम भी किसी बड़े से ऑफिसर बन करके तुम बैठे होते, तुम आईपीएस आईएएस होते और आम के पेड़ में आम ही पैदा होता है। एक मुसलमान का बेटा, अगर एक मुसलमान पिता आईपीएस होता है ना तो वो अपने बच्चों को भी आईएएस जरूर बनाता है। मेरे फादर एमएससी थे तो मेरे फादर ने अपनी 2 बेटियों को वकील बनाया, 1 बेटी को पीएचडी और एमबीए करवाया, 3 बेटियां और तीनों शिक्षित क्योंकि वो एमएससी थे। मेरी माँ एमए थी तो उन्होंने अपनी बेटियों पर फोकस किया। तो वो मर्द जो 60 साल की उम्र में रेड़ी लगा रहा है जाली टोपी पहन करके, आज न्यूज चैनल पर कहता है कि मोदी जी तो हमें नौकरी नहीं दे रहे, 60 साल की उम्र में तुमको नौकरी की खबर आ गई, तुमको नौकरी याद आ गया, जब तुम्हारी उम्र 22 साल थी, 21 साल थी, 20 साल थी, 18 साल थी, 12 साल थी, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि ये हमें क्या पढ़ने के लिए दिया जा रहा है स्कूलों में, हमें क्यों नहीं शिक्षित किया जा रहा है, हमें क्यों गला रेतने की बातें सिखाई जा रही है? तो ये जो साजिश है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये लोगों को खत्म करने की स्ट्रैटेजी है। मैं एक चीज और एडिशन करूंगी, 21वीं सदी के ईरा में जब तमाम युवाओं की आंखें खुल चुकी हैं और युवा समझ चुके हैं कि शिक्षा ही मोदी जी जो कह रहे हैं वही वाहिद रास्ता है अपने आप को आगे इम्प्रूव करने का और सक्सेस करने का, तब देखिए बैरिस्टर जो बाहर से पढ़ करके आया है असदुद्दीन अवैसी, आज मैं अभी भी मैं नेशनल न्यूज चैनल पर थी और उसमें वो चिल्ला रहा है कि नहीं, एज ऑफ प्योबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, हम उसको नहीं खत्म कर लेंगे। अभी भी वो चिल्ला रहा है। आप सोचिए कि मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए ये सारे दाढ़ी टोपी और शेरवानी वालों ने 1947 से 2024 तक में मुसलमान कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है, जाहिल और एक जानवर नुमा बना दिया है, सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी और अपने फियर के लिए, अपने फायदे के लिए, बस इसके अलावा। और दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ बात की भारत और पाकिस्तान के बारे में बल्कि चर्चा की भारत के प्रधानमंत्री के बारे में भी। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है,
फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके उसे भी जरूर देखें। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।